हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलू सोनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करनी वेज रेसिपी में। तो आज हम करनी वेज रेसिपी में लेकर आए हैं ये पनीर की रेसिपी। इसे आप बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर बनाना। तो इसके लिए हमने फुल फैट वाला 2 लीटर दूध लिया है और इसे हम गर्म करेंगे। जैसे जैसे दूध गर्म हो रहा है, दूध के ऊपर एक मलाई सी आनी शुरू हो गई है, तो इसे हम दूध में मिक्स कर देंगे। और दूध जब उबल जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ही चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे। और इसके बाद दूध को फाड़ने के लिए आप नींबू भी ले सकते हैं और सिरका भी ले सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून सिरका लिया है और उतना ही इसमें पानी डालेंगे और फिर इसे हम दूध के अंदर डालते जाएंगे। धीरे से हमें दूध के अंदर डालना है इसे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए हमारा दूध है जो ये फट चुका है, इसमें पानी अलग हो चुका है और पनीर हमारा अलग हो चुका है। ये ना अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसी स्टेज पे हमें इसे छानना है। तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, बर्तन के ऊपर एक कपड़ा रखेंगे सफ़ेद कलर का। आप सफ़ेद कलर का ही कपड़ा लें, रंग बिरंगे कपड़े लेंगे तो हो सकता है आपके कपड़े का कलर उतरे और पनीर पे लग जाए, तो उससे पनीर ख़राब सा लगेगा। तो ये देखिए हमें इसमें सारा पनीर डाल देना है और पनीर में जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो अभी पनीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके लिए हमें इसमें ठंडा पानी डालना होगा ताकि पनीर रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जो भी इसमें खटास है वो भी चली जाए। तो इसके लिए हम एक बर्तन में अलग से पानी रखेंगे और पनीर को उसमें हम डालेंगे और अच्छे से इसे ठंडा करेंगे। 2 से 3 बार पनीर का हमें साफ़ पानी निकाल लेना है इस तरह से। और उसके बाद हम इसे कटिंग बोर्ड पे रखेंगे और इस पनीर को उसी कपड़े पे हम फैला देंगे और उसके बाद इस पनीर को इसी कपड़े से हम कवर कर देंगे। पनीर को सेट करने के लिए इस पे हम बार रखेंगे ताकि हमारा पनीर अच्छे से जम जाए और 1 घंटे के बाद हम इसे हटा देंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर अच्छे से जम चुका है। इसे आप पानी में डाल के फ्रिज के अंदर 3 से 4 दिन तक के लिए रख सकते हैं और जब भी यूज़ करना हो आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से पनीर के क्यूब्स करके भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं पानी के अंदर। बाजार वाले पनीर से घर वाले पनीर का टेस्ट ही अलग होता है और घर में बना पनीर काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको हमारे सारे वीडियोस कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।